बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला एफडीआई करने वाला देश है। और आज सब देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे चमत्कारी नेता, दूरदर्शी नेता और कर्मयोगी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की तस्वीर है वो तेजी से बदल रही है, वो समूचे विश्व के सामने है। और आज प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत विश्व को दिशा देने का कार्य कर रहा है, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे के विकास का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। सभी ऑफिसर मेरे साथ आए हुए, सभी अधिकारीगण और सभी हमारे आज के अतिथि, आज के गेस्ट भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सारे हमारे प्रशांत जी समेत बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आज अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा किए हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं और किस प्रकार वहाँ की सरकार और वहाँ का जो एक तरह से वातावरण है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या लेबर और प्रबंधन वर्ग के बीच का सामंजस्य हो, सभी में और सबके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे रोहित मीणा जी ने और इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमारी बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी गोद में बसा हुआ हमारा प्रदेश, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर चार धाम हैं, गंगा जी का, यमुना जी का और भी बहुत सारी जो पूरे साल भर बहने वाली नदियां हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं उद्गम वहां से होता है, वहां से निकलती हैं। और केदारखंड जिसमें कि चार धाम आते हैं, उसी प्रकार से मानसखंड जो एक हिमालय इधर और एक हिमालय उधर, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर हैं, जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ बद्रीनाथ धाम है, वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान, और मैं एक स्थान की चर्चा करूं ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, वन डेस्टिनेशन, टू डेस्टिनेशन, थ्री डेस्टिनेशन, आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन है उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है, और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए भी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी बरसों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में
आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था तो वहाँ सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। मुझे इस अवसर पर यह भी बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दुनिया के प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट तथा महान अन्वेषक एवं पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट की कर्मभूमि भी कोई रही है तो उत्तराखंड रही है। यह भी एक सुखद संयोग है कि ब्रिटेन एवं उत्तराखंड, इंग्लैंड और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं एवं जलवायु है, आज मैं जब पार्लियामेंट में गया था तो वहां से देख रहा था कि सामने नदी बह रही है, तो ऐसा लगता था कि उत्तराखंड और ये यूके टू यूके, ये बड़ा यूके है, तो यूके वहां भी है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं, जो वित्त एवं व्यवसाय से लेकर कला और संस्कृति तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य से भारतीय मूल के प्रवासी भी यहाँ बड़ी संख्या में निवास करते हैं, और मैं कल जब से यहाँ पहुंचा हूँ तब से लेकर अनेकों लोगों से मेरी भेंट हुई है, और काफी लोगों ने बहुत ही आत्मीय भाव से और बड़े उत्साहजनक तरीके से बड़ा स्वागत किया। और आप सबको तो सूचना थी कि मैं और हमारा ये प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, बहुत सारे लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ मालूम चला कि हम लोग यहाँ पर आज रहने वाले हैं तो अनेकों लोग मुझे मिले हैं, और उन्होंने भी उत्तराखंड आने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है, और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेस, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए PPP मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, FDI करने वाला देश है, और आज सब देख रही, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे चमत्कारिक नेता, दूरदर्शी नेता और कर्मयोगी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की तस्वीर है वो तेजी से बदल रही है, वो समूचे विश्व के सामने है, और आज क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत विश्व को दिशा देने का कार्य कर रहा है, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे के विकास का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वैक्सीन एवं दवा उत्पादन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के एक दिशा देने का काम कर रहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत द्वारा कोरोना वैक्सीन को दुनिया के दूसरे देशों को भी देने का काम हुआ है, और अभी हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में Chandrayaan-3 का जो सफल परीक्षण किया हो, या हमने साबित किया है कि कहीं ना कहीं नया भारत आज पूरे विश्व को नेतृत्व देने में सक्षम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना से पुनरुत्थान का कालखंड है, ये पूरे भारतवासियों के लिए और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय
मोदी जी के रूप में हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है, एक ऐसे नेता मिले हैं जो दूरदर्शी हैं और न्यायप्रिय भी हैं। आज विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं और भारत की जो नीतियां हैं उनका अनुसरण भी कर रही हैं। समस्या चाहे आतंकवाद के रूप में हो, महामारी के रूप में हो, राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद हो या युद्ध से संबंधित हो, आज एक भारत ही है जिसके विचारों को सभी सुनते हैं और उन पर अमल भी आज लोग कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बाद थी आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है न केवल मजबूत हुई है बल्कि कई जो विकसित देश हैं उनसे भी बेहतर स्थिति में आई है। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का अनुमान IMF द्वारा लगाया जा रहा है। IMF का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि आने वाले समय में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य दोनों को प्रदर्शित करती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमारी दूरदर्शिता का केवल आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं है बल्कि सामरिक, स्ट्रेटजिक एवं कूटनीतिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज भारत केवल आंतरिक रूप से ही नहीं, जहां पहले आतंकवाद था, अलगाववाद था, आंतरिक जो आतंकवादी गतिविधियां थी उन सभी पर आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है, उन तीन पर रोक लगी है बल्कि एक्सटर्नल जो शक्तियां थी उनसे भी आज भारत पूरी तरह से सुरक्षित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है। हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर है और पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाना जैसा कठिन काम हो, देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कनेक्टिविटी को विकास का मूल मंत्र मानकर उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड आज पर्यटन के मानचित्र पर अधिक मजबूती के साथ अपनी जो विशिष्ट छवि है उसको उकेर रहा है। हर वर्ष 2020-21 की बात करें तो कोरोना महामारी थी, 21-22 में जितने लोग आए थे 22-23 में उससे ज्यादा बढ़ गए और हर बार स्थिति यह है कि कई बार मौसम खराब होता है, हम लोगों को रोकते हैं, हम उनसे अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक, और आज मैं कहीं चर्चा कर रहा था तो मुझे कह रहे थे कि जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उसको केवल जो एक आयु के बाद लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो यात्राएं हो रही हैं, जो हमारे चार धाम की यात्राएं हैं, देवभूमि की यात्राएं हैं, उसमें सब नौजवान और युवा अधिकार हैं। कम से कम 70%